टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस अनवील होने वाली है और आज सारी डिटेल्स हम अनवील करेंगे। तो सबसे पहले लुक्स और एक्सटीरियर की बात करते हैं, तो नई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस बिल्कुल चेंज हो गई है। अब पुरानी एकदम एमपीवी स्टाइल की दिखती थी और नई वाली एकदम एसयूवी लगती है, जैसे फॉर्च्यूनर का स्टैंड है आप देखोगे ठीक वैसा ही कुछ इनोवा का स्टैंड आप देख सकते हो जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा। और तो और पुरानी जो इनोवा थी उसमें थोड़े से छोटे डायमेंशन है, इसमें हाइट ज़्यादा होगी और मोस्ट प्रोबेबली थोड़ी सी विड्थ बढ़ा देंगे। और पुरानी इनोवा लैडर फ्रेम चैसी पे आती थी और नई वाली मोनोकॉक चैसी पे आएगी, जिससे कंफर्ट बढ़ेगा, हैंडलिंग बढ़ेगी और गाड़ी की स्टेबिलिटी ओवरऑल बढ़ जाएगी। तो पुरानी में डीजल का 2.4 लीटर का इंजन मिलेगा और नई वाली में 2.0 लीटर का पेट्रोल और 2.0 लीटर का हाइब्रिड इंजन मिलेगा। पावर दोनों में सिमिलर होगी, बस माइलेज का डिफरेंस होगा। 2.0 लीटर पेट्रोल लगभग 7-8 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज दे देगा और 2.0 लीटर हाइब्रिड 15 से ऊपर देगा, मतलब 18-20 तक दे देगा हाईवे पर। तो काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे माइलेज मिलेगी, फ्यूल एफिशिएंसी मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको करीब 2 से 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे हाइब्रिड इंजन के लिए। अब बात करते हैं फीचर्स की, तो फीचर्स में आपको सबसे पहले एक्सटीरियर में LED हेडलैम्प्स, LED DRLs मिलते ही है, लेदर अपहोल्स्ट्री, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये सब तो मिलते ही, लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड फीचर्स जो टोयोटा में नहीं मिलते बहुत ही खास, जैसे आपको एक बड़ा सा टच स्क्रीन मिलेगा जिसमें 360 डिग्री कैमरा होगा, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले भी सपोर्ट करेगा, आपको एक हेडसअप डिस्प्ले HUD मिल रही है, या जी हाँ टोयोटा में HUD, साथ ही साथ वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलेंगे। और र्यूमर तो ये भी है कि सेकेंड रो में भी वेंटिलेटेड सीट्स मिल सकते हैं और इसमें ADAS भी एक्सपेक्टेड है, यानी कि इसमें कुछ फीचर जैसे अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल या फिर लेन कीप असिस्ट, ये सब फीचर्स आ जाएंगे। और तो और सबसे बड़ी बात, इसमें आपको पूरी पैनोरामिक सनरूफ भी मिलेगी जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और ओवरऑल ये नई वाली जो है क्रिस्टा से बहुत ज़्यादा फीचर्स इसमें आएंगे, मॉडर्न फीचर्स आएंगे और पूरी टेक लोडेड होगी। और इस बार इनोवा इसको XUV700 से कम्पीट करने के लिए बना रहा है, तो ये कहीं भी पीछे नहीं रहना चाहता और सारे फीचर्स देने वाला है, तो कंज्यूमर्स को बहुत अच्छा ऑप्शन मिलेगा। अब कुछ लोग बोल रहे थे कि स्पेक्यूलेट कर रहे थे कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी और सिर्फ हाई क्रॉस बिकेगी, लेकिन ये एक मिथ है। दरअसल क्रिस्टा भी बिकेगी और साइमल्टेनियसली हाई क्रॉस भी लॉन्च होकर बिकेगी, मतलब टोयोटा हेड ने सोचा अगर स्कॉर्पियो M के साथ स्कॉर्पियो क्लासिक बिक सकती है तो इनोवा हाई क्रॉस के साथ क्रिस्टा क्यों नहीं बिकेगी। हाँ थोड़ा मोड़ा कॉपिंग चलता है एग्जाम में, चीटिंग वीटिंग। हमने सबसे पहले इनोवा हाई क्रॉस के ऊपर पूरी वीडियो बना दी थी, जो आप हमारे चैनल पे 2 सप्ताह पहले की एक वीडियो है उस पे देख सकते हो। और हम ऐसे ही सारे कार्स के सबसे पहले वीडियो बनाते हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, नहीं तो एक कहानी सुनाता हूँ, चिंटू और पिंटू की कहानी। दोनों XUV700 दोनों को ख़रीदनी थी। चिंटू ऑटो गुरु का सब्सक्राइबर था और उसे सारे न्यू कार अपडेट्स पहले ही मिल जाते हैं, तो उसने XUV700 पहले ही बुक करा ली थी और 1 महीने में उसे मिल गई। अब पिंटू ऑटो गुरु का सब्सक्राइबर तो है नहीं, तो उसने बाद में बुक की टेस्ट ड्राइव वगैरह लेने के बाद, चेक करने के बाद फीचर्स, तो उसे लगभग 1.5 साल की वेटिंग लग रही है, 1.5 साल बाद उसे कार मिलेगी। आप चिंटू के साइड हो या पिंटू के, कमेंट करके बताओ और फिर सब्सक्राइब कर दो ताकि आप सब चिंटू के साइड हो जाओ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।